अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन छात्र हुंकार में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि आज 55 वर्ष की उम्र में खुद को युवा घोषित करने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इन लोगों का नेतृत्व करने वाले देश के मान सम्मान के प्रतीक तिरंगा को फहराने से रोकते थे। JNU से नारा उठता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब ये लोग समर्थन करते थे, वो आज भारत जोड़ने निकले हैं। आज विश्व गुरु बनने की राह में देश आगे बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बदौलत बढ़ रहा है। DS कॉलेज में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ छात्राओं ने सरस्वती वंदना से किया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष ऊर्जा राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि कोल विधायक अनिल पाराशर, पूर्व शहर विधायक संजीव राजा, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के सचिव डॉक्टर राकेश नंदन, मुख्य वक्ता परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री मनीष राय, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ सेंगर, महानगर उपाध्यक्ष रईस पाल सिंह, महानगर मंत्री अंकुर शर्मा, कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रांतीय संगठन मंत्री मनीष ने कहा कि युवाओं को समझना होगा कि अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप और देश के वीर बलिदानी महान है। कोल विधायक अनिल पाराशर व डॉक्टर राकेश नंदन ने भी विचार रखे। सम्मेलन की अध्यक्षता उद्योगपति अजय पटेल ने की, जबकि संचालन पायल पाठक ने किया। इस मौके पर RSS के विभाग प्रचारक गोविंद, महानगर प्रचारक विक्रांत, MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, संगठन मंत्री चंद्रजीत राजेंद्र वार्ष्णेय चीफ, डॉक्टर पुष्पेंद्र पचौरी, अमित गोस्वामी, सौरभ चौधरी, बलदेव चौधरी, करण वार्ष्णेय, दिवाकर वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे। सम्मेलन के बाद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज से शोभा यात्रा निकाली। मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सम्मेलन में आज विद्यार्थी परिषद के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का अपने छात्र शक्ति का धन्यवाद करने के लिए यहाँ छात्र सम्मेलन में आया हूँ। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज हमारा हिंदुस्तान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी छात्र शक्ति, उनकी ऊर्जा सही दिशा में और देश के निर्माण में सहयोगी हो, इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करता है। देखिए, 2017 के बाद मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखते होंगे जहाँ पहले 4 जिले ही ऐसे थे जिन्हें VIP कल्चर में रखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को, हम लोगों का प्रयास है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे अर्बन क्षेत्र हो, सभी को 24 घंटे बिजली मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति ठीक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने ऊर्जा मंत्री सौम्य तोमर जी आए हुए हैं, उद्योगपति अजय पटेल जी, राकेश नंदन जी, ऐसे प्रमुख लोग हमारे मंच पर रहे हैं। आज शोभा छात्र सम्मेलन के अंतर्गत एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आयोजन के बाद एक खुले मंच से छात्र नेता सम्मेलन का भी आयोजन रामलीला ग्राउंड में किया गया है।